आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप VI एप्लीकेशन से अपने VI नंबर का कैसे रिचार्ज कर सकते हैं। अगर आप भी जो है वोडाफोन आइडिया की मर्ज हुई कंपनी VI का सिम चलाते हैं और आपके नंबर पे जो है रिचार्ज खत्म हो चुका है और आप जो है उसे VI एप्लीकेशन से ही करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी कम्प्लीट जानकारी बताने वाला हूँ कि आप VI एप्लीकेशन से ही अपने VI नंबर पर कैसे रिचार्ज कर सकते हैं। अभी के टाइम में आप देख सकते हो कि मेरे नंबर पर कोई भी एक्टिव प्लान नहीं है, यानी कि मेरा रिचार्ज जो है खत्म हो चुका है। तो इस कंडीशन में मुझे अपने नंबर पर रिचार्ज करना होगा। तो यहाँ पर जो है रिचार्ज नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा, हमको जो है इसी पर क्लिक करना है। या फिर आप जो है थोड़ा सा नीचे की साइड में देखोगे तो यहाँ पर आपको जो है एक रिचार्ज का ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हो। तो चलिए हम जो है इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा लोड लेगा, तब तक जो है आपको वेट करना है। इसके बाद जो है आपके सामने वो सारे प्लान आ जाएंगे। इसमें से आप जिस भी प्लान से अपने नंबर पर रिचार्ज करना चाहते हो वो सिलेक्ट कर सकते हो और आप चाहो तो प्लान भी बदल सकते हो। जैसे कि हीरो अनलिमिटेड प्लान है, इस पर आप क्लिक करके देख सकते हो। इसके बाद जो है अनलिमिटेड प्लान है, इस पर क्लिक करके देख सकते हो। इसके बाद डेस्टिनी हॉटस्टार का एक प्लान है, आप इस पर भी क्लिक करके देख सकते हो। यानी ढेर सारे यहाँ पर प्लान है, आप जो है बारी बारी से सभी पर क्लिक करके देख सकते हो। लेकिन जो है हम लोग हीरो अनलिमिटेड प्लान से रिचार्ज करने वाले हैं, तो हम उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है हम नीचे की साइड में इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से उस प्लान को सेलेक्ट करेंगे जिस प्लान से हम जो है अपने नंबर पर रिचार्ज करना चाहते हैं। तो मैं अपने नंबर पर 719 रुपए का रिचार्ज करना चाहता हूँ, तो मैं जो है इस पर क्लिक करूंगा। आप भी जो है जिस भी प्लान से रिचार्ज करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए हमको ये बता रहा है कि आपको 719 रुपए में 84 दिन के लिए मिलेगा, लेकिन अगर आप 1449 रुपए लगाते हैं तो 180 दिन के लिए मिलेगा। लेकिन हमको जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसी पैक के साथ जाना है, यानी हमको सिर्फ यही वाला रिचार्ज करना है। तो हम जो है सिर्फ इसी पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा लोड लेगा, तब तक जो है आपको वेट करना है। और इसके बाद जो है यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर जो है UPI का भी ऑप्शन मिल जाता है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा और भी नीचे की साइड में पेटीएम वगैरह के भी ऑप्शन है, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह सब चीजें हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी एक मोड को सिलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग जो पेमेंट करेंगे वो UPI के थ्रू करेंगे, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है ये थोड़ा सा लोड लेगा। इसके अंदर आपको अपना UPI ID डालना है और इसके बाद जो है प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है। UPI ID डालने के बाद यहाँ पर आपको जो है वेरीफाई पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है आपकी UPI ID वेरीफाइड हो जाएगी कुछ इस तरीके से। आप अपने फ़ोन पे की UPI ID डाल सकते हैं, पेटीएम की UPI ID डाल सकते हैं, कोई भी UPI ID इसके अंदर डाल सकते हैं और इसके बाद आपको वेरीफाई करा लेना है। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रोसीड टू पे का, आपको जो है इस पर क्लिक करना है। इसके बाद ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगी और आपके सामने जो है पेमेंट का इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको जो है अपने पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करना है और उसके अंदर जो है एक पेमेंट का रिक्वेस्ट गया होगा, उस रिक्वेस्ट को आपको जो है ओपन करके अपना UPI पिन डाल करके पेमेंट कर देना है। तो चलिए हम अपने दूसरे नंबर से जो है इस पेमेंट को सक्सेसफुल कर देते हैं। यहाँ पर नीचे टाइमिंग भी चल रहा है, इसी टाइमिंग के अंदर आपको ये पेमेंट को एक्सेप्ट कराना होगा। तो हमारे पास जो है यहाँ पर ये रिक्वेस्ट आ गई है, हम दूसरे फोन में इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम यहाँ पर जो है पे पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो है मैं अपना UPI पिन डाल देता हूँ और इसके बाद आप भी अपना UPI पिन जैसे ही डालेंगे, जैसे ही आपका यहाँ से सक्सेसफुल हो जाएगा और उसके कुछ देर बाद यहां से भी सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहां से भी मैसेज आ चुका है कि आपका रिचार्ज सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद जो है कुछ इस तरीके से मैसेज दिखाई देगा रिचार्ज डन का, यानी कि अब जो है आपके VI नंबर पर रिचार्ज हो चुका है। कुछ ही देर बाद जैसे ही आप इसे रिफ्रेश करोगे तो रिफ्रेश होने के बाद जो है आपकी वैलिडिटी यहाँ पर शो होगी, पर डे कितना GB डेटा मिलेगा वो ऊपर की साइड में शो होगा। तो इस तरीके से आप अपने VI नंबर पर VI एप्लीकेशन से रिचार्ज कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। चैनल पर अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।